गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? और अभी जस्ट मैं हूँ अभी हॉस्पिटल में अपने। मौसम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया किया हुआ है, बेहतरीन किया हुआ है। पूरा मौसम ठंडा ठंडा है और बारिश भी होने की पूरी संभावना है। और तरह का मौसम यार, काफ़ी ज़्यादा लोग इन्जॉयमेंट करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। काफ़ी ठंड ठंड हवा भी चल रही है, इसलिए मैं अभी बाहर बैठा हुआ हूँ, आउटडोर में बैठा हुआ हूँ और हवा लेने के लिए, क्योंकि अंदर में बैठने में वो मज़ा नहीं है। क्योंकि पंखा का हवा तो हमेशा खाता हूँ, लेकिन कुछ इस तरह का मौसम का हवा खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया, इस तरह का मौसम किया हुआ है गाइस, तो आप देख सकते हैं। मैं अभी आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है यहाँ पे। कितना ज़्यादा मौसम बढ़िया हो गया है कि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा कर दिया है यहाँ पे। बहुत ही मज़ा आ रहा है, लोग घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं गाइस। देख सकते हैं पूरे मौसम का एक झलक देख सकते हैं। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया हुआ है। और देख सकते हैं पूरी आसमान में काले काले बादल दिख रहे हैं। और रोड पे देखिए पब्लिक जा रहे हैं, छाता लेके जा रहे हैं, कोई ऐसे ही जा रहे हैं, कोई भिंगते जा रहे हैं। लेकिन हल्की हल्की अभी बारिश हो रही है, अभी कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाली। लेकिन इस तरह का मौसम जो किया हुआ है यहाँ पर, पूरे 100% बारिश होने की पूरी संभावना है। ये देखिए गौ माता आ रही है वहाँ से। काफ़ी ज़्यादा गाइस चहल पहल है इस मौसम में, काफ़ी ज़्यादा लोग घूम फिर रहे हैं। और अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, हॉस्पिटल के बाहर ऑटो के बाहर हूँ, आपको वीडियो दिखा दे रहा हूँ कि इस तरह का मौसम यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत दिन के बाद देखने को मिला है अभी अभी। बीच में तो बारिश हुई थी लेकिन इस तरह का मौसम नहीं किया था। लेकिन अभी अभी पूरी देख सकते हैं जैसे कि पूरा अंधेरा छा गया है, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा छा गया है और धीरे धीरे अंधेरा हो भी रहा है। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अंधेरा धीरे धीरे हो रहा है और बारिश जो होगी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने वाली है। मुझे तो ये संभावना लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश होगी, बहुत देर तक बारिश होगी क्योंकि बादल चारों तरफ है। तो चलिए गाइस, बारिश का करते हैं हम लोग वेट और जब बारिश होती है तो हम आपको ज़रूर दिखाएँगे। फाइनली गाइज, ये हमारी गौ माता, ये गाय डेली यहाँ पे आता है और हम इसको डेली रोटी खिलाते हैं। आप लोग भी गाय को एक रोटी कम से कम ज़रूर खिलाएं। मैं डेली लंच लाता हूँ, चार रोटी लाता हूँ, लेकिन एक रोटी गाय को दे देता हूँ। देख, इसको मैं रोटी खिला देता हूँ। गाय ये रोटी खा गया है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। गाइस बारिश आ चुकी है और तेज भी हो गई है, तो आपको दिखाते हैं बारिश। देखिए गाइस बारिश हो रही है, देख सकते हो गाइस बारिश की पानी दिख रही है कि रोड गीला हो चुका है। और देखिए एक झलक यहाँ पे देख लीजिए, बारिश हो रहा है। ये पूरी बारिश हो रही है। फाइनली गाइस यहाँ पे हम करवा रहे हैं अभी साफ सफाई, क्योंकि झाड़ू लगी नहीं थी सुबह से, तो सुपरवाइज़र से मैं झाड़ू लगवा रहा हूँ, पोछा करवा रहा हूँ, अभी यहाँ पे पूरा सफाई करवा रहा हूँ। ये है हमारी मेडिसिन। बारिश के कारण अभी तक कोई स्टाफ हमारा नहीं आया है, बारिश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। आज तो मेरी गाड़ी भी धुल जाएगी, काफ़ी दिनों से मैं गाड़ी नहीं धोया था,
तो मेरी स्कूटी भी आज धुल जाएगी और उसके साथ साथ जनरेटर भी धुल जाएगा। ये है असली बारिश का मज़ा, क्या बात है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तो गाइस क्या मौसम है देख सकते हैं, झमाझम बारिश हो रही है और जस्ट अभी बारिश स्टार्ट हुई थी, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। और गाइस यहाँ पे तो यार लग रहा है ऐसा कि कपड़ा खोलूँ और बारिश में कूद जाऊँ नहाने के लिए। तो यार काफ़ी अगर बचपन की यादें भी बारिश के साथ साथ जुड़ जाती है, क्योंकि बचपन में यार हम बारिश में बहुत ज़्यादा नहाया करते थे और छत पे नहाया करते थे, बाहर में भी नहाया करते थे। आज इस बारिश को देख के गाइस लग ही रहा है कि यार फिर से एक बार बचपन की यादें ताज़ा कर लूँ और नहा लूँ। गाइस देख सकते हैं मेरी गाड़ी भी धुल रही है, मेरी गाड़ी भी नहा रही है यहाँ पे। देखिए छत की हालत बारिश के कारण पूरी भीग चुका है, उधर तो पानी काफ़ी ज़्यादा भर गया है यार। और वो बेचारा पेड़ पानी मांग रहा था कब से, आज उसको पानी मिल ही गया है। अभी मैं छत पे हूँ, फाइनली अभी क्लीननेस करवा ही रहा हूँ मैं, क्योंकि बारिश से जो लोग बाहर से आते जाते हैं काफ़ी फर्श जो है जो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। और बारिश का मौसम है तो गाइस ऑलरेडी यहाँ पे लोग बाहर से काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो थोड़ा सा गंदा तो होगा ही होगा, इसलिए मैं यहाँ पे क्लीननेस करवा रहा हूँ। इतना तेज़ बारिश है कि लोग रुकने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं।